गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के टाइप, पहला जो कोकई है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट सेकेंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चल रहा था उसी का एक टॉपिक आज शुरुआत हम लोग करेंगे। चलिए कोकई के बारे में थोड़ा एक इंट्रोडक्शन जानते हैं कि ये होता क्या है। कोकई यानी कोकस इसको भी कहते हैं, जो कि ये ओवल या स्पेरिकल शेप में होता है। जब ये डिवाइड करता है या फिर रिप्रोड्यूस करता है तो ये डिफरेंट पैटर्न्स में ये इसका शेप आ जाता है, डिफरेंट पैटर्न्स में। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का है ना। अब इसके टाइप पर थोड़े आते हैं, तो इसके मेनली फोर टाइप्स है। इसके मेनली फोर टाइप्स होते हैं। पहला डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, पहला कौन सा है, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है। दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, तीसरा है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, और चौथा है इंड्रोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, तो पहला डिप्लोकोकस बैक्टीरिया जो होता है वो पेयर में होता है, यानी कि उसका संख्या दो होगा, है ना। इसमें दो कोकस होते हैं जो कि ये कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है और ग्राम निगेटिव भी हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल्स को समझिएगा। गोनोरिला, गोनोरिया, ये जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। कैसा डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर ये सही समय पर ट्रीटमेंट ना हो तो ये इनफर्टिलिटी काउज करता है, यानी कि जो वुमेन होंगे वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। दूसरा जो है निमोनिया, निमोनिया ये रिब, जो रिब कैच प्रॉब्लम होता है, एयर सैक प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो दो लंग्स होते हैं उसमें फ्लूड भर सकता है, ठीक है, इस इन्फेक्शन की वजह से। ये मेनिंगाइटिस, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को अफेक्ट पहुंचाता है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के बारे में। ये जो होता है चेन या रो में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसका लेंथ वेरी करते रहता है, और ये मेनली हेमोलाइटिक होता है। हेमोलाइटिक कहने का मतलब कि जो रेड सेल को, रेड ब्लड सेल होता है उस पर अटैक करेगा ये। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होता है, निमोनिया बता दिए हैं, टूथ डिके, दांत का गिरना। ये जो तीन है, ये तीन जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्ट्रिप थ्रॉट के बारे में पिछले वीडियो में बताया था हमने, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसका इफेक्ट पहुंचाता है ये। अगर ये हो जाए तो ये बीमारी होगा, ये बीमारी, अगर ये हो जाए तो ये बीमारी हो जाता है। ठीक है, और अगर ये दोनों ट्रीटमेंट, अगर ये दोनों का ट्रीटमेंट होगा तो ये बीमारी हो जाएगा। ये जो बीमारी होता है ये एयर बॉर्न डिजीज, यानी कि हम जो खांसते हैं, छींकते हैं, हमारा जो ड्रॉपलेट्स जो होता है वो एयर के कांटेक्ट में आकर दूसरे पर्सन के बॉडी में अगर चल जाए, है ना, एक दूसरे से गले मिलना, है ना, या फिर एक दूसरे से, मतलब हम लोग पानी शेयर कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें होते हैं। कपल्स जो होते हैं एक दूसरे को किस कर लेते हैं, तो ये सब के वजह से क्या होता है, सलाइवा कॉन्टैक्ट जो होता है, इन सभी के वजह से ये सब बीमारियां होते हैं। स्किन डिसऑर्डर, जो स्किन का अपर डर्मिस होता है वो अफेक्ट पहुंच जाना, तो इन सभी जो डिजीज है ये बैक्टीरिया के वजह से होता है। अगला स्टेफिलोकोकस, ये जो होता है ग्रेप्स, ग्रेप्स अंगूर का गुच्छा आप लोगों ने देखा होगा, उस में वैसे ही ये अरेंज्ड होता है। अंगूर का जो गुच्छा होता है वैसे ही ये अरेंज्ड होता है। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव और नन मोटाइल, यानी कि इसमें मूवमेंट नहीं होगा। नन मोटाइल कहने का मतलब, मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नन मोटाइल, मतलब इसमें मूवमेंट नहीं होगा। और दे हैव साल्ट टॉलरेंस, साल्ट टॉलरेंस कहने का मतलब कि किसी के बॉडी में साल्ट का मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, उसके डाइट में साल्ट का मात्रा बढ़ जाना, ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर कम होगा। साल्ट का मात्रा बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर की कमी कम हो जाता है, तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन,
ये कहाँ ग्रोथ करेगा? स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में ही इसका ग्रोथ होता है। ये सब जो, ये देखिए स्किन प्रॉब्लम ही ये बीमारी है, ठीक है, स्किन का जो प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये एट अ टाइम क्या होता है, ये एट अ टाइम क्या होता है, ये एट अ टाइम क्या होता है कि हमको सर्जरी करना पड़ जाता है, ऐसा कंडीशन आ जाता है, उंड इन्फेक्शन हो जाता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये भी उसी तरीके का, TSS इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, और फूड पॉइजनिंग, मतलब ऐसा फूड जो बेकार हो जाए, बैक्टीरिया से वो अफेक्टेड हो, पूरा बैक्टीरिया उस पर आ जाए, जितने भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अब देखिए इंट्रोकोकस बैक्टीरिया, ये जो होता है शॉर्ट पेयर में, जैसे कि दो को तो डाई बोलते हैं, तीन को टेट्रा, फोर को, तीन को ट्राई बोलते हैं, फोर को टेट्रा बोलते हैं, चार को पेंटा बोलते हैं, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, है ना, नैनो, डेका, ये सब जो होता है ना, तो ये शॉर्ट चेन होगा, यानी कि दो तीन या चार, यानी कि डाई ट्राई और टेट्रा में हो सकता है ना। ये ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल, मतलब कि ये मूवमेंट नहीं होता, ये भी ग्राम पॉजिटिव है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये नॉन मोटाइल, ये इंट्रिक नर्वस सिस्टम में ये पाया जाता है। यूरिनरी ट्रैक, जो किडनी वगैरह को अफेक्ट पहुंचाता है, यूरेथ्रा वगैरह को, ये जनरली वुमेन्स में होते हैं। ये बीमारी जो होता है ये किसको ज़्यादा अफेक्ट पहुंचाता है? जनरली वुमेन्स को, जो औरतें होती हैं, है ना, यूरे, है ना। और ज़्यादा अफेक्ट किस पार्ट को करता है? किडनी, जो हमारे इंटरनल पार्ट है, किडनी को ज़्यादा प्रभावित करता है ये इंट्रोकोकस बैक्टीरिया, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, ये जितने भी यूरिनरी ट्रैक्ट होते हैं, किडनी वगैरह, यूरेथ्रा वगैरह होता है, ब्लैडर, ये सब इसी में आता है। बैक्टीरिमिया मतलब कि होता है कि बैक्टीरिया इन ब्लड, मतलब ब्लड में बैक्टीरिया हो जाना, ये सब एग्जांपल्स है इसके। उंड इन्फेक्शन, जो घाव वगैरह हो जाता है। तो ये सब जो कॉमन सी बेसिक सा इन्फेक्शन के बारे में जो हम बताएं आज, आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। ये बेसिक ही आगे चल के आपको जब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पढ़िएगा, तो डीपली में जो हमको आप पढ़ना है आगे, तो आपको ये अगर बेसिक जान गए होंगे ना, तो आपको आगे बिल्कुल समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।